हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पोको मोबाइल में सेट एज डिफ़ॉल्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस कैसे आप इसे 100% ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको देखिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, तो चलिए हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप्स की, जहाँ पर आपके सभी ऐप रहते हैं। तो आप अपने फ़ोन में चेक कर लेना, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो गाइस, जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहीं पर ऐप लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा या मैनेज ऐप का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग होकर सभी ऐप्स आ जाएंगे। अब गाइस, आपको ऊपर की साइड देखेंगे तो दो या थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल में शो सिस्टम वाला ऑप्शन शो हो रहा है। हो सकता है आप में शो हो और ऑप्शन जिसमें एक ऑप्शन रहता है डिफ़ॉल्ट ऐप्स, तो आपको डिफ़ॉल्ट ऐप पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, बैक आते हैं तो यहीं पर आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट में। देखिए जहाँ पर हमने क्लिक किया ऐप लिस्ट पर, इसी के नीचे आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट ऐप, आप यहां पर देख सकते हैं। तो गाइस, आपको डिफ़ॉल्ट ऐप पे क्लिक करना है, या तो आपको ये वाला ऑप्शन यहां पर मिल जाए, या फिर आपको ये वाला ऑप्शन ऐप लिस्ट में जाएंगे ऊपर यहां दो या थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा। तो गाइस, आप चेक कर लेना, फिर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन ऐप का एक ऑप्शन है, फ़ोन ऐप पर क्लिक करना है। जैसे ही फ़ोन ऐप पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए फ़ोन पे क्लिक कर देना है ऊपर। जैसे आप फ़ोन पे क्लिक करेंगे फ़ोन पे क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक हो गया। अब आते हैं बैक अपने होम स्क्रीन पर, और अब हम ओपन करते हैं अपने डायलर को। तो यहाँ पर डायलर को ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। और गाइस, देखिए हम सेटिंग में आते हैं, अगर यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आप ऊपर अगर सर्च बार में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट ऐप। अगर आप ऐसा लिखते हैं, देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर ये सेटिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।